हेलो गाइज, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड फाइनली नमस्कार। आपका स्वागत है जिलिद द टेक चैनल पर। और आज हम लेनोवो वाइब K5 को बॉक्स से ओपन करेंगे, यानी कि अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे ये कैसा है और कैसा दिखता है हाथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे हाथ में ये लेनोवो का 5K5 और ये कुछ इस तरह का पैकिंग में आता है। साथ ही आप देख सकते हैं इस फ़ोन का फीचर जो है वो सामने की ओर दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ लेनोवो सर्विस एंड वारंटी एसोसिएट का एक स्टिकर है और इसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन फिल्म जेड, यानी कि इसका जो प्रोटेक्टर है, एक प्रोटेक्टर साथ में दिया हुआ है और यहाँ पे वाइब लिखा हुआ है लेनोवो K5 और इसके कुछ डिटेल्स यहाँ पे देखते हैं हम। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर नेम एंड एड्रेस है, साथ में यहाँ पे एक MRP दी हुआ है 7,499, जो कि सबसे पहले आई थी 6,999 में, लेकिन अब जो प्राइस में मैंने लिया है वो है 7,499। देखिए यहाँ पे इसके कुछ सार वैल्यू है, सार वैल्यू में 0.884 वाइट केजी है और साथ में 947 वाइट केजी है। यहाँ पर ब्रांड नेम लिखा हुआ है, साथ में उसके नीचे लिखा हुआ है स्नैपड्रैगन और ऑक्टा कोर प्रोसेसिंग का है, डॉल्बी एटमॉस की दी हुई है इसमें, साथ में प्रीमियम एल्यूमिनियम कैसिंग भी दिया हुआ है साथ में, वो तो खोलने के बाद ही पता चल पाएगा कि किस तरह का है। और इसके फीचर्स कुछ देखते हैं। OS में लिखा हुआ है एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी टीम विथ वाइब UI, प्रोसेसर में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन टीम 616 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, डिस्प्ले में 12.7 cm HD का डिस्प्ले है और इसका पिक्सल है 1280x720 IPS डिस्प्ले, मेमोरी है 2GB रैम प्लस 16GB रोम, यानी कि आप 16GB का इंटरनल स्टोरेज आपको मिलेगा, साथ में आप इसको एक्सपांड कर सकते हैं अप टू 32GB। और रियर कैमरा इसका 13 MP रियर कैमरा ऑटो फोकस विथ LED फ्लैश, फ्रंट कैमरा में 5 MP फिक्स्ड फोकस, बैटरी 2750 mAh इंटरचार्जेबल, इसका मतलब ये है कि आप इसको बैटरी को निकाल सकते हो। और सिम है डुअल सिम माइक्रो सिम विथ LTE, यानी कि दोनों ही सिम LTE है। अब चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। यहाँ पर लेनोवो की सील दी हुई है, इसे हमें फाड़नी पड़ेगी, अदरवाइज हम इसे ओपन नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं पैक के अंदर आखिर क्या क्या है। अब देख सकते हैं सबसे पहले इसके अंदर स्मार्टफोन दिया हुआ है, काफी हल्का है ये फोन, साथ में एक प्रोटेक्टर दी हुई है। काफ़ी लोगों ने इस प्रोटेक्टर को ख़राब कहा है, पर मैं कहूँगा ये प्रोटेक्टर काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि ये कंपनी की तरफ से आया हुआ है और ये बहुत ही अच्छा होता है, काफ़ी दिन तक ये चलेगा, काफ़ी दिन तक स्क्रैचेस पे नहीं आएगी क्योंकि ये स्क्रैचलेस होता है। अब इसके अंदर क्या क्या और देखते हैं। ये हो गया फ़ोन का बैटरी, चाइनीज पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे इंग्लिश पे भी लिखी हुई है। रेटेड कैपेसिटी है 2750 mAh और स्लैश लिखा हुआ 10.5। अब देखते हैं और क्या क्या है इसके अंदर। ये
केबल दिया हुआ है चार्जिंग प्लस डेटा ट्रांसफर के लिए। केबल का क्वालिटी जो है कि बहुत ही अच्छा है। अब ये जो है कि इसका पावर अडाप्टर है। पावर अडाप्टर का आउटपुट वोल्टेज जो है 5.0 वोल्ट एंड 1.5 एम्पियर। तो चलिए अब इन सब को साइड में रख के फ़ोन को चेक करते हैं। ये कुछ इस तरह का इसका फर्स्ट लुक है। इसके अंदर देखिए फ़ोन का कलर तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये हर किसी ने तो गोल्ड कलर लिया था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं डार्क ग्रे लिया जाए, कलर अच्छा लग रहा है। इसमें बैटरी इंसर्ट करते हैं। ये जो है कि प्रोटेक्टिव फिल्म दी हुई है, इससे उतार देते हैं। अब इसे ऑन करते हैं। स्टार्ट और एंड स्टार्टिंग, क्योंकि फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो रहा है तो इस वजह से कुछ इस तरह का स्टार्ट हो रहा है। इसमें काफ़ी सारे लैंग्वेजेस हैं। इसका टच रेस्पॉन्स जो है वो काफ़ी अच्छा है। इसमें 13 मेगापिक्सल की रियर कैमरा दी हुई है, साथ में एलईडी फ्लैश दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नॉइज कैंसिलेशन माइक भी दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉल्बी एटमोस की स्पीकर्स जो दी हुई है। अगर ये दोनों स्पीकर्स पीछे के बजाय सामने में दिया जाता, जैसे कि लेनोवो 5K4 नोट में दिया हुआ है, तो उससे क्या होता है कि उसका क्वालिटी और थोड़ा अच्छा लगता है और मूवी वगैरह देखने में उससे और थोड़ा सा अच्छा एंटरटेन वो हमें करती। लेकिन ये पीछे में दिया हुआ है तो यूज करके देखते हैं आखिर ये भी कैसा है। और इसका बॉडी जो है वो साइड कप बॉडी दी हुई है, तो अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। देखते हैं कुछ दिन यूज करने के बाद ही ये पता चल पाएगा। इसमें OTG सपोर्ट दी हुई है। इसका जो कैमरा क्वालिटी है अच्छा तो लग रहा है, लेकिन HDR मोड नहीं है, सिर्फ इसमें पनोरामा मोड है। तो चलिए इसको पहले यूज करके कुछ दिन देखते हैं आखिर ये कैसा है। अगर अच्छा या ख़राब मुझे कुछ भी लगता है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। तो इससे पहले मुझे कुछ दिन इस्तेमाल करने दीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को परचेस करनी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा Lenovo K5 को, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो जिनको सुधारनी चाहिए थी कंपनी को। जैसे कि 2GB के बजाय अगर 3GB रैम होती तो बहुत अच्छी बात होती। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉल्बी एटमोस का जो दो स्पीकर्स दिए हुए हैं यहाँ साइड में नीचे में, ये स्पीकर्स अगर एक यहाँ और एक यहाँ होता तो वो भी बहुत अच्छी बात होती। साथ में इसका डिस्प्ले में थोड़ा सा और सुधार करनी चाहिए थी कंपनी को, और थोड़ा सा हाई कॉन्फ़िगरेशन करना चाहिए था इस प्राइस में। इन सब चीज़ों को अगर नज़रअंदाज किया जाए और ब्रांड के तौर पर देखा जाए तो अच्छा है। ये तो था Lenovo K5 का रिव्यू। मैं अगली बार कोई और हैंडसेट या फिर कोई और टेक लेके आपके सामने आऊँगा। लेकिन जिन लोगों ने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर ले। साथ में मेरे चैनल को व्यू, लाइक एंड शेयर करना ना भूले। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।